अच्छा फर्स्ट मीट याद है आपको कैसा रहा था जब शो के लिए मिलना हुआ था? यस 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 आई रिमेम्बर व्हेन शी केम फॉर हर लुक टेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नीचे पे ही तुम इधर घूम रही थी एंड मॉर्निंग या आफ्टरनून टाइम आई केम इन सो आई मेट हर आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ सो दैट्स हाउ वी मेट। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहा जब मतलब देखा खुद भी हम लोग कह रहे ऐसे वैसे क्या कुछ रहा फर्स्ट इम्प्रेशन? सी अगेन व्हेन यू विश somebody like when you greet or when you introduce yourself to when they themselves introduce to that's the equation or that's the vibe that you get on the very first instance. So bahut maze se aake inhone bataya ki kaun hai ye acha tha wo positive vibe and आपका इनकी तरफ कैसा रहा? मेरा भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि आई थिंक वैभव सामने से आया था। सी मीटिंग ईशा आई वाज जस्ट लाइक एंटरिंग द शो तो मुझे नहीं पता था कौन कौन है और क्या है बट इट वाज वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम हिज एंड दैट ही केम एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड काइंड ऑफ मेड मी फ्रेंडली बिकॉज ऑब्वियसली जब एक नया जना एक इतने सारे कास्ट के साथ आता है तो इट्स टफ फॉर दैट इंडिविजुअल द न्यू इंडिविजुअल टू इंट्रोड्यूस एंड बी फ्रेंडली विद एवरीवन सो ही टुक द इनिशिएटिव व्हिच इज रियली अप्रिशिएटेड। तो रिस्पांसिबिलिटी होती है यार भाई। अच्छा आपको याद है जब मतलब जब आप शॉट देने आते हैं जब ये शॉट देने आते हैं जब सेट पे जब जहाँ पे सीन होता है तो कौन सी तीन चीजें कैरी करते हैं आपके को एक्टर? कॉफी मग, हाँ, समटाइम्स मेकअप स्टफ या एंड व्हाट मोबाइल या अरे वाह लेट्स सी ही कैरीज हिज स्क्रिप्ट हिज फोन एंड हिज इमेंस लव फॉर ईशा। अच्छा कोई एक अच्छी बात एक दूसरे को लेकर कुछ शेयर करना चाहिए जो आपको लगी वो स्पेशल थी? अच्छी बात यार ये अब एक हो तो मैं बताऊं इतनी सारी अच्छी बात कैसे बताऊं मैं? हां फॉर अ फैक्ट आई वुड आल्सो से द सेम थिंग फॉर अ फैक्ट आई थिंक मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा दिस कंपनी इज फन एंड आई कैन स्पीक एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद हिम सो आई थिंक इट्स फैक्ट। ओके फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी एक अच्छी एंडिंग होने वाली कहीं ना कहीं जिस तरह से ईशा की अच्छाई जो है वैभव की तरफ दिखाई दे रही है एंड वैभव की भी शुरुआत से ही बनी हुई है क्या कहेंगे? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहेंगे हमारे शो के फैंस को थैंक यू सो मच फॉर नॉट हेटिंग ईशा दैट मच एंड आई होप बाय द टाइम नाउ इट्स एंडिंग ऑन अ गुड नोट सो यू ऑल विल बी हैप्पी। थैंक यू सो मच हमारे शो को और हम सबको इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सर।